दोस्तों जय हिंद जय भारत। मैं दीपक कृषि बाजार भाव यूट्यूब चैनल पर आपका अभिनंदन है। दोस्तों आज की नीमच मंडी की लहसुन और प्याज की आवक देख लेते हैं कैसी है। तो दोस्तों प्याज की आवक लगभग 2500 कट्टों के आसपास है, 3000 कट्टे हो जाएंगे क्योंकि अभी 8 बजा है और आवक आती रहेगी। और बात करते हैं दोस्तों लहसुन की, तो कल के मुकाबले आज अच्छी आवक देखने को मिल रही है और लगभग 5000 कट्टे हाल फिलहाल तक अभी तक की आवक 5000 है। वो 11 बजे तक आवक आती है दोस्तों, तो आवक बढ़ने की संभावना पूरी है। देखते हैं पूरी रिपोर्ट। दोस्तों सुबह की राम राम और आप सभी को जय श्री कृष्णा। नीमच मंडी की लहसुन और प्याज की आवक देख लेते हैं। दोस्तों ये प्याज की आवक है, प्याज का क्षेत्र देख सकते हैं आप। कल के मुकाबले थोड़ी सी हाल फिलहाल तक कम आवक है, अभी तो 8 बजा है सुबह का और कुछ समय होगा तो आवक भी बढ़ेगी। ठंड का मौसम है, ठंड चल रही है, ये देख सकते हैं आप प्याज की आवक दोस्तों। और आवके ज़्यादा तो नहीं है आज हाल फिलहाल तक, लगभग 2500 बोरी के आसपास आवक दिख रही है दोस्तों हाल फिलहाल तक। तो ये आपकी आपको पूरी आवक दिख रही है प्याज की, देख सकते हैं आप आज की प्याज की आवक है दोस्तों। और चलते हैं, लगभग 2500 कट्टों के आसपास हाल फिलहाल आवक नज़र आ रही है, ज़्यादा आवक नहीं है। कल के मुकाबले कुछ कम आवक ही दिख रही है, मगर बाज़ार पे गिरावट का रुख देख सकने को मिल सकता है प्याज पे, क्योंकि उसका एक कारण है प्याज के ऊपर जो स्टॉक लिमिट लगाई है नई सरकार ने, मध्य प्रदेश शासन ने, और उसकी वजह से कल छापे पड़ने लगे हैं। मंदसौर में केस बना है, एक माल जब्त किया है, तो उससे भय का वातावरण दिख सकता है, जिससे शायद कुछ दबाव देखने को मिल सकता है प्याज के बाज़ारों के ऊपर आज। तो ये दोस्तों पूरी नीमच मंडी की प्याज की आवक है जो आप यह देख सकते हैं। नमस्कार जी, लहसुन की आवक देख लेते हैं। ये देख लीजिए गाड़ियाँ खाली हो रही है, आवक का आज कुछ प्रेशर दिख रहा है, आवक बढ़ी हुई दिख रही है और नीलाम चलते चलते तक बढ़ जाएगी, उसका कारण सामने ही नज़र आ रहा है, क्योंकि अभी तक आवक यहाँ तक आ गई है, रोज़ कम रहती है। तो दोस्तों आज क्या हो सकता है बाज़ार, ऐसा लग रहा है बाज़ारों का दबाव देखने को मिलेगा, कुछ भी दबाव रह सकता है। सभी जगह आवके अच्छी की खबर मिल रही है और ये देख सकते हैं आवक की स्थिति दोस्तों। और थोड़ा बहुत तो खाली है प्लेटफॉर्म, मगर भर जाएगा जिस हिसाब से आवक आ रही है और प्रेशर है आवक का, तो आज थोड़ी आवके बढ़ रही है। सभी मंडियों में बढ़ी हुई है, पिपलिया भी बढ़ी हुई आवक है और मंदसौर भी बड़ी हुई आवक है, तो आज आवके ज़्यादा है। और यह देख सकते हैं आप पूरा एरिया फुल है, जो कल सुबह अपन ने देखा था तो आवक नहीं के बराबर नज़र आ रही थी, तो देख सकते हैं। और हमारे द्वारा तो लगातार यह कहा जा रहा था, इस तेज़ी में भी जो आया था तेज़ी की माल को थोड़ा बहुत बेचते रहें तेज़ी पे, क्योंकि बाज़ारों पे आवक का प्रेशर आने पे टूटने की संभावना बढ़ जाएगी। दोस्तों ये आज की आवक है, ये देख सकते हैं आप नीमच मंडी पूरी लहसुन की आवके, और आवके कल के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा दिख रही है। क्या आवक देख सकते हैं, कहाँ से होता था? लाडपुरा से। दोस्तों पूर्व में भी हमारा संपर्क हो पाया था, मगर आ नहीं पाए थे ये हमारे साथ में, और तो आज लहसुन लेकर आए हैं। आज आवक भी कुछ ज़्यादा है और आज शायद बाज़ार नरम रहने की 100% संभावना दिख रही है। उसका कारण ये है कि अन्य मंडियाँ भी कल शाम को मंदी हो चुकी थी। तो दोस्तों ये लहसुन की आवक देख लेते हैं। मंदसौर में बाज़ार शाम को गिर चुका था, और जिसका असर आज देखने को अपने को नीमच में मिला। तो ये आवक पूरी देख सकते हैं लहसुन की नीमच मंडी की, कल के मुकाबले कुछ अच्छी आवकें हैं और यह पूरी नज़ारा आपके सामने है आवक का, देख सकते हैं। और आवक का प्रेशर अच्छा दिख रहा है दोस्तों आज, कुछ आवक बढ़ने की संभावना 10 बजे तक 11 बजे तक ज़्यादा ही रहेगी आज, क्योंकि आज सुबह इतनी आवक है तो रोज़ बढ़ती है 10-11 बजे आवक, तो आज 10-11 बजे भी आवक बिल्कुल बढ़ेगी है। और गेट खुला हुआ है, कोई जाम की स्थिति नहीं है, सभी वाहन आ सकते हैं, सभी को प्रवेश दिया जाएगा, क्योंकि आवक इतनी नहीं है कि गेट का जाम लग जाए, मगर कल के मुकाबले कुछ आवक ठीक है ऐसा अपन ज़रूर कह सकते हैं, क्योंकि जो वास्तव में दिख रहा है। तो ये आवक है आज की नीमच मंडी की। इधर की भी आवकें देख सकते हैं आप, पूरा फील्ड आपको दिखा दिया है, पूरी नीमच मंडी जहाँ जहाँ लहसुन की आवक है, और पूरी फील्ड को आप देख सकते हैं आवकों को। तो यह है नीमच मंडी की लहसुन की सभी।